हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले इस घर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी ये जो रूफिंग लगा हुआ है इसका बारे में बात करने वाले। इसे देखिए देखिए किस तरह से चिमनी को हम लोग वाटरप्रूफ बना चुका है। मतलब आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया से सोलिंग किया हुआ है। हम लोग इसको कुछ अपना तरीका लगाते हैं अपने खुद से। ये जो है अंदर से भी इसका पाइप लगा के बढ़िया से फिटिंग किया हुआ है, ताकि हम लोग जहाँ इसको स्क्रू लगाए वहीं आपको पाइप मिले, ताकि नीचे का जो पाइप है उसका साइड बढ़िया से टाइट होके फिटिंग हो जाए। इसके लिए जो है अंदर से कुछ और करना पड़ता है। मैं आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल दूंगा किस तरह से हमने इस पाइप को फिटिंग किया और किस तरह से ये चिमनी को इतना बढ़िया से बनाया, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका सामने जो पाइप वेल्डिंग मर रहा है लड़का, ये पाइप जो है एक्चुअली ये इस जगह पे कैंची को आके रेस्ट करना है, लेकिन इसमें कुछ पोस्ट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो इसको एक्स्ट्रा पोस्ट लगाया ताकि कैंची जाके इसमें स्टैंड हो जाए। और अभी हम लोग कैंची को शुरू कर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। हम लोग पहले इसको कैंची जो है स्क्वायर पाइप से बना रहे हैं। ये डेढ़ डेढ़ स्क्वायर पाइप है, मतलब अगर mm में जाए तो 40x40 mm का है ये पूरा जो कैंची है। पूरा का पूरा ये 40x40 mm का लगा रहा है हम लोग। और इसमें पहले हम लोग इसको नीचे में रख के बढ़िया से वेल्डिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं पहले। मतलब एक कैंची, ये घर का कैंची जो है फ्रेश कैंची, चार बराबर चार लग रहा है, तो ये जो चार कैंची है इसको हम लोग नीचे में बना के ऊपर फिटिंग कर देंगे। तो इससे जो है हम लोग का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर में बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाता है, इसीलिए जो है हम लोग नीचे इसको लगा के बढ़िया से फुल वेल्डिंग मार के उसका बाद जो है इसको ऊपर फिटिंग कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको पहले बना लिया, एक का ऊपर एक चारों बना लिया, उसका बाद जो है इसका फुल वेल्डिंग लगा दिया। फुल वेल्डिंग करके पूरा का पूरा फुल वेल्डिंग कर लिया, ताकि ऊपर में जाके कुछ काम ना बाकी रहे। और ऊपर में से ऊपर में काम करने मिले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, काम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसीलिए जो है नीचे में कर लेते हैं हम लोग। उसका बाद जो है हम लोग धीरे से करके ऊपर उठा लेंगे, और ऊपर उठा के इसको बाकी जो पार्ट है उसका कैंची इसे उठाने के बाद भी ये जो घर है ये चार एक्चुअली इसको चार चाली बोलते हैं, इसका भी ऊपर में जाके थोड़ा बहुत तो काम बाकी रह जाएगा। फिर भी ऊपर में अगर अभी नीचे कर लिया काम तो ऊपर में जाके करने के लिए बहुत कम बचेगा, इसीलिए जो है नीचे काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे इसका फुल वेल्डिंग काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग इसको ऊपर चढ़ा देंगे। इसको ऊपर चढ़ाने के बाद जो है बाकी का जो पार्ट है उसको फिटिंग करेंगे। आप लोग देख सकते इसको किस तरह से हम लोग ऊपर चढ़ा के जो पार्लिंग है ऑलरेडी लगा चुका है। मतलब आप लोग सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको किस तरह से कैंची को उठाया और किस तरह से फिटिंग किया ये पूरा वीडियो नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं इसको कमती में मतलब शॉर्ट शॉर्ट में दिखा दिया। जैसे काम ख़त्म हो जाएगा आप लोग को इस तरह से दिखाई देंगे। ये इस जगह जो है ये अभी कुछ लगा ही नहीं, लेकिन लगाने के बाद जो है ये इस तरह से दिखाई देंगे। नीचे से पाइप वेल्डिंग कर देंगे और इसमें स्क्रू मारने के लिए आसान है। अभी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये वाला स्टील, जो बीच में चिमनी आ चुका है। इस तरह से अगर चिमनी को हम लोग प्रॉपरली नहीं बनाएंगे, बढ़िया से नहीं बनाएंगे, तो फ्यूचर में इसमें जो है पानी लीकेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना होता है। ऐसे बहुत ज़्यादा चिमनी है जिसमें जो पानी लीकेज हो जाता है, तो इसीलिए जो है हम लोग इसको चिमनी को एकदम बढ़िया से अंदर से जो है पहले से पाइप लगा के इसको वेल्डिंग करके रख देते, ताकि ऊपर से टीना लगाने के बाद जो है इसमें थोड़ा भी पानी लीकेज ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो ये लड़का पकड़ा हुआ है पाइप, इसमें एक्स्ट्रा पाइप लगा हुआ है। ये किस लिए लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो आया चिमनी का बीच से होकर ये पानी निकल चुका है, इसीलिए हम लोग इस पाइप को आधा से लगाया। ऐसे ऊपर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल से देख सकते हैं आप लोग, हम लोग कितना तकलीफ से जाके इसको उठ के इसके पाइप में पाइप का ऊपर खड़ा होकर इसको वेल्डिंग करना पड़ता है। इसीलिए मैं जो है नीचे से ज़्यादा कैंची जो है नीचे से बना के ऊपर चढ़ा चुका हूँ, तभी जो वेल्डिंग मारने के लिए ऊपर काम थोड़ा कम रह जाए। इसीलिए ये यहाँ पे फिर हम लोग एक पाइप लगाने वाला है, जो ये यहाँ पकड़ा हुआ है ये जो पाइप है ये चिमनी तक टच नहीं किया, इसीलिए टच नहीं किया ताकि इस जगह पे फिर एक पाइप लगा दूंगा, तब तक कि ऊपर से जब भी टीना का स्क्रू लगाऊं तो नीचे का पाइप का सर इसको टाइट से फिटिंग हो जाए। इसीलिए मैं इसमें भी एक पाइप लगाने वाला हूँ, इसीलिए जो है स्पेस छोड़ के रखा हुआ है। ये जो ख़त्म हो जाएगा जैसे इसमें एक पाइप लगा लूँगा। अभी इसको कम्प्लीट वेल्डिंग हो चुका है ऑलमोस्ट,
थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो जो साइड का पार्लिंग है वो लगाना है। अभी आप लोग देख सकते हैं दूर से जो है व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये जो आप पार्लिंग वेल्डिंग मारते हुए देख रहे हैं, ये जो पाइप है इसको हम लोग पहले से नीचे में काट के ज्वाइन करके ऊपर चढ़ा के इसको वेल्डिंग मार रहे, ताकि ऊपर में ज़्यादा काम ना बाकी रहे। इस तरह से हम लोग दोनों साइड वेल्डिंग कर लेते हैं, फिर उसका बाद जो है सेकेंड पार्लिंग लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद इसको जो है फुल वेल्डिंग कर दिया जाएगा। ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड का काम थोड़ा बाकी था, मतलब सेम ये जो सेकेंड और थर्ड पार्लिंग लगाना बाकी था। ये दोनों अभी वेल्डिंग लग करके रेडी कर देंगे, उसका बाद आप लोग नीचे से इस तरह से व्यू दिखाई देंगे। अभी हम लोग इस ये जो स्पेस दिखाई दे 3 फीट का करीब और 3 फीट का बरामदा था, और जो ये रूम से ऊपर इस तरह से दिखाई देते। अब इसको रंग लगा के फिर टीना का काम शुरू कर देंगे। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया रंग लगाना बाकी था, अभी हम लोग इसको टीना और ऑलमोस्ट 90% तो टीना अभी लगा चुका है। तो मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट में दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़रा लंबा ना हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा। इस तरह से पहले से इसको जो है चिमनी में हम लोग काट के इस तरह से डाल लेते हैं नीचे से, ताकि ये काम थोड़ा आसान हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें इस तरह से हम लोग लगा दिया और ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये साइड जो है बाकी है और ये साइड थोड़ा बाकी है। ऊपर में ये जो आप देख सकते हैं टीना को इस तरह से काट के फिटिंग किया गया है, मतलब ये नीचे में से काट के फिटिंग नहीं किया। इसका साइज़ जो है पहले से टीना का साइज़ जो है हम लोग बराबर ऑर्डर करके इसको लेके आते हैं, तो ऊपर से जो है डनेस को नीचे में 2-3 मार देते हैं, उसका बाद जो है ऊपर से इसको काट के लगा देते, तभी जो है कटिंग जो है बराबर बैठते हैं और काम करने के लिए आसान होता है। नीचे में फिर काट के ऊपर चढ़ा के स्क्रू मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए जो है ये ऊपर से काट देते हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए और देखने के लिए अच्छा लगता है ऊपर से काटने से। इसका जो है सेंटर में जो कटिंग पड़ता है तो पूरा सीधा दिखाई देता है, वो कटिंग एकदम बढ़िया से। अब ये जो लड़का है वो इसको टीना को काटने के लिए कोशिश कर रहा है, ये ऊपर से ही काट रहा है ताकि सीधा लाइन जो है एकदम सीधा बराबर हो जाता है। ये जो लड़का पहले से इसको मार्किंग कर लिया गया है, उसका बाद ये इसको कटिंग कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट अंदाज से काट रही है, पहले से मार्किंग हो जाता है, उसका बाद ही जो है इसको कटिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस तरह से इसको सीमेंट के अंदर में काट के डाला गया और इसमें सिलिकॉन लगा देंगे। इसको जो स्पेस सीमेंट में काट के जो स्पेस बना गया इसमें सिलिकॉन लगा देंगे और इसमें टीना को बैंड करके जो है ये ऊपर का टीना का अंदर डाला गया, ताकि ऊपर का बारिश का पानी सीधे नीचे चला जाए। और इसके बाद इधर भी सीमेंट काट के डाला गया और ये पीछे का साइड जो है इसको भी सीमेंट में काट के डाला गया है, और इसका टीना का साइड डायनेस को फिर मार दिया गया और इसमें भी सिलिकॉन लगा देंगे। तो इस तरह से जो है बढ़िया सा चिमनी बन जाता है और इसमें कभी भी बारिश जो का पानी जो है वो अंदर जाने का संभावना नहीं होता है, एकदम बराबर सोलिंग हो जाता है। आई होप गाइस आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से एक प्रॉपर चिमनी जो बना सकते हैं हम लोग। मैं ये जो वीडियो बनाया पूरा चिमनी का ऊपर ही बनाया हुआ हूँ, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए ये चिमनी किस तरह से बनाने से थोड़ा भी पानी लीकेज ना हो। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा आप लोग का साथ, उसमें मैं चैनल किट के बारे में दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।